हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीतल सारस्वत एंड आज का हमारा टॉपिक है लिफ्टिंग स्टेट अप। सो फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टेट को एक अप वाले कंपोनेंट में मूव कराने वाले हैं। सपोज दैट ये वहीं पे वर्क करेगा जहाँ पे हमारे पास दो सेम टाइप की इनपुट हम लोग ले रहे हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने एक डायग्राम के थ्रू ये समझाया है। लाइक हमने फर्स्ट इनपुट बॉक्स हमने लिया जिसमें हमने डिस्टेंस ले लिए मीटर में, एंड सेकंड इनपुट बॉक्स है हमारे पास जिसमें हमने डिस्टेंस लिए किलोमीटर में। सो फ्रेंड्स, ये मीटर क्या करेगा, जो इनपुट बॉक्स होगा वो किसके थ्रू अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, स्टेट के थ्रू चेंज करेगा, एंड किलोमीटर वाला जो इनपुट होगा वो भी अपनी वैल्यू को स्टेट के थ्रू ही चेंज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट को हम यूज कर रहे हैं तो एक तो इसकी स्टेट अलग से चेंज हो जाएगी, एक इसकी स्टेट अलग से चेंज होगी। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी स्टेट को शेयरिंग करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट के साथ में। मींस हम लोग जो स्टेट डिफाइन करेंगे, हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर, एक मैंने पेरेंट कंपोनेंट बनाऊंगी, हम लोग सिर्फ उसी में स्टेट को शेयर करेंगे, हम लोग इन दोनों में अलग अलग स्टेट को नहीं बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक ये मैंने इंडेक्स में ब्लैंक कंपोनेंट अभी बनाया हुआ है, इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेती हूं। एक मैं यहां पे इसके लिए फाइल बना लेती हूं, कैलकुलेटर डॉट जे एस एक्स। मीन्स ये मेरे पास में एक कंपोनेंट बन गया है। इसके लिए मेरे को सबसे पहले वही करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड मेरे को यहाँ पे डोम कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको इंपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सेम वही अपना मैं क्लास कंपोनेंट का नाम रखूंगी जो मेरी फाइल का नाम है, एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ये मेरे पास सजेशन में आ गया। अभी मैं सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट भी कर लेती हूँ, डिफॉल्ट एंड कैलकुलेटर। सो ये मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट बना लिया जिसको मैंने इंडेक्स पेज में कॉल करा दिया है, और अभी मेरे पास में ये ब्लैंक है तो मैं इसमें जस्ट क्या कर लेती हूँ, रेंडर रिटर्न। रिटर्न में मैं सबसे पहले एक फ्रेगमेंट बना लेती हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली होगी, एंड मैं यहाँ पे एक अलग से भी मैं एक और कंपोनेंट बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हम लोग मीटर से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में चेंज करने वाले हैं, तो हम लोगों के पास क्या होगा, एक रिजल्ट भी हम लोग शो करा लेंगे। सपोज दैट हम लोग अपने रिजल्ट में शो करा सकते हैं कि हम लोग अपनी कोई डिस्टेंस उसमें चेक करा देंगे। देन मैं कैसे चेक कर लेती हूँ कि अगर वो 1000 मीटर होगा या 1000 मीटर से कम होगा तो वो वॉकिंग डिस्टेंस होगी, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो वॉकिंग डिस्टेंस नहीं होगी। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं एक रिजल्ट के लिए भी कंपोनेंट बना के रख लेती हूँ। ये मैंने रिजल्ट के लिए बना दिया है, इसमें भी मैं सेम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, एंड इसको मैं जस्ट फंक्शन कंपोनेंट बना लेती हूँ रिजल्ट। एंड यहाँ पे मेरे को प्रॉप्स जरूर कॉल करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, बिकॉज क्या होगा, यहाँ से मैं डिस्टेंस की वैल्यू भेजूंगी, मैं वैल्यू भेजूंगी यहाँ से 1000। एक्चुअली अभी मैं इसको स्टेटस सेंड करने वाली हूँ, देन मैं उसके बाद में इसको डायनेमिक करने वाली हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या रिटर्न करा दूंगी, या रिटर्न से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। बिकॉज अभी जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू हमारी लेस देन है या इक्वल टू है 1000 के, तो क्या हो जाना चाहिए, वो रिटर्न कर देगा कि वो वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करा देती हूँ, दिस इज वॉकिंग डिस्टेंस, एंड एक हम फिर एल्स भी बनाएंगे अगर हमने इफ बनाया है तो। यहाँ पे मैं लिख दूंगी, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रोप्स की ही वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, तो उससे हमें क्लियरली भी पता लग जाएगा कि हमारे पास वैल्यू आ रही है या हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है। तो प्रोप्स डॉट डिस्टेंस इज अ वॉकिंग डिस्टेंस, अगर हम इस इफ कंडीशन में जाते हैं एंड
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज टू मच। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट को जस्ट क्रिएट कर लिया है, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर लेती हूँ, एक्सपोर्ट कर लिया। और मेरे को क्या करना है, वो कैलकुलेटर में मैं यूज कर रही हूँ, देन मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास क्या हुआ, जस्ट मैंने एक रिजल्ट लिया है एंड उस रिजल्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेक कर लिया कि रिजल्ट में मैंने यहाँ से जस्ट अभी 1000 सेंड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके रिजल्ट को। ये देखिए फ्रेंड्स अभी मेरे पास में आ गया है 1000 इज अ वॉक इन डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसको कर देती हूँ 1100, तो ये मेरे को बता रहा है इट्स टू मच। तो अभी हम हमारे पास क्या हो रहा है, ये जस्ट स्टेटिक आ रहा है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको स्टेट के थ्रू लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टेट के लिए लाने में हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर इनपुट के लिए एक दूसरा कंपोनेंट बना लेते हैं। सो हमें क्या करना होगा कि हमें अभी इसकी वैल्यू मीटर में भी लेनी होगी और हमें इसकी वैल्यू किलोमीटर में भी लेनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक दूसरा कंपोनेंट बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग सिर्फ उसकी इनपुट लेंगे। तो ये मैंने जस्ट क्रिएट कर दिया कैलकुलेटर इनपुट के नाम से। एंड इसमें भी मेरे को सेम क्या करना है, रिएक्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। एंड ये भी सेम मेरे को क्या करना होगा, क्योंकि इसमें मेरे को स्टेट बनानी पड़ेंगी, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, एंड मेरे को इसमें रेंडर कराना है रिटर्न, एंड मेरे को यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज करना पड़ेगा। सो अगर मैं वैल्यू ले रही हूं तो मेरे को एक लेबल भी आगे पास कराना होगा उसमें, कि वो किस चीज के लिए लेबल में किस चीज की मैं उसमें वैल्यू लेना चाह रही हूं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एंटर डिस्टेंस इन मीटर, एंड मैं आगे क्या बना देती हूँ, इसमें एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैंने नंबर ले लिया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक मैंने ये अभी मैंने जस्ट एक ही लिया है मीटर के लिए। देन मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करके क्या कर देती हूँ, मैं किलोमीटर के लिए भी बना देती हूँ। तो ये जस्ट मैंने क्या लिख दिया, यहीं पे किलोमीटर भी लिख दिया। तो अभी मेरे पास में क्या हो गया, एंटर डिस्टेंस इन मीटर एंड एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो ये मैं इसको चेक करती हूँ, अभी मेरे पास में कोई रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि ये मैंने बनाया है, ये मैंने कैलकुलेटर ही बना दिया है। ओके, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर इनपुट है ये, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट ले रहे हैं। तो इसको भी मेरे को एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, ये मैंने एक्सपोर्ट करा दिया है एंड मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, ये मैंने इंपोर्ट करा दिया। सो फ्रेंड्स अभी मेरे पास में क्या हो गया, एक मेरे पास में कैलकुलेटर हो गया एंड एक मेरे पास में कैलकुलेटर इनपुट हो गया। सो इनपुट में जो भी हम वैल्यू जाएगी, लाइक हम लोग मीटर में कोई भी अपनी डिस्टेंस देंगे या किलोमीटर में देंगे, देन वो दोनों हमारी किसके पास में जाएंगी, कैलकुलेटर के पास में जाएंगी। एंड कैलकुलेटर उसके लिए क्या करने वाला है, कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करके बताएगा। पहले तो अगर हमने मीटर में वैल्यू एंटर की है तो वो हमें उसे किलोमीटर में चेंज करेगा, एंड हम अगर किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो वो उसको मीटर में चेंज करेगा। देन उसके बेस पे जो हमारे पास ये डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे अभी ये मैंने स्टेटिक लिखा हुआ है, देन हमारे पास में स्टेट से जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है, उस बेस पे हमारे को क्या पता चलेगा, हमें रिजल्ट पता चलेगा कि वो एक वॉकिंग डिस्टेंस है या फिर वो वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पास में आ गए हैं, दोनों मेरे पास में टाइप नंबर बन के आ गया, लेकिन अभी भी ये मेरा स्टेटिक चल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले स्टेट के थ्रू मैं इनकी वैल्यू को चेंज करती हूँ। तो अभी मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर इनपुट में मेरे पास में दोनों वैल्यू आ रही हैं। तो वैल्यू लेने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर मैंने आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज पहले मेरी लास्ट वीडियो को जाके देखिए, जिसमें मैंने स्टेट को अच्छे से क्लियरिफाई किया हुआ है। तो ये मैंने सुपर प्रॉप्स लिख दिया है एंड यहाँ पे मैं अपनी स्टेट को डिफाइन करूंगी। तो फ्रेंड्स मेरे को स्टेट क्या लेनी होगी, मेरे को डिस्टेंस के नाम से स्टेट लेनी होगी।
अभी मैंने यहाँ पे ये ब्लैंक ले लिया है। सो जैसे ही मैं कोई स्टेट लूंगी तो मेरे को उसे वैल्यू में अगर मैं सेट करूंगी तो मेरे को कैसे देना होगा, हमेशा दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्टेंस, सेम वैसे ही मेरे को इसके लिए भी करना पड़ेगा यहाँ पे। देन फ्रेंड्स ये स्टेट कब तब चेंज हो सकती है जब हम यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन का यूज कर रहे हो, बिकॉज अभी हमने क्या किया, हमने जस्ट इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो इनिशियलाइज कंडीशन में ये हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ ब्लैंक दिखाई देगा। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगी ये मेरे पास में अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो वैल्यू दी हुई है स्टेट डिस्टेंस वो अभी मेरे पास सेट नहीं हो पा रही है। तो मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को इसका ऑन चेंज फंक्शन इसके लिए यूज करना पड़ेगा। ऑन चेंज फंक्शन में मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट इसको लिख देती हूँ दिस डॉट इनपुट चेंज, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे बना दिया है। एंड इस फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इवेंट पास करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं इसकी स्टेट को यहाँ पे चेंज कराने वाली हूँ, सेट कराने वाली हूँ अपने सेट फंक्शन के थ्रू, वहां पे मुझे इसकी वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस पहले तो सेट कर दिया है, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी ये फंक्शन हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस फंक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले बाइंड कराना पड़ेगा। तो मैं इसको बाइंड करने के लिए भी मैं इसकी कमांड लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मेरे को बाइंड करने में जस्ट ये दिस का यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको चेक करती हूँ, ये देखिए अब क्या हो रहा है, पहले आपने देखा था जब मैंने सिर्फ यहाँ पे आके वैल्यू चेंज की थी तो ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दे रहा था, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करूंगी, सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 3, 4, 5, ये मैं जो भी लिखती जा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में अपडेट होते जा रहे हैं, मींस इनकी स्टेट चेंज हो रही है। बट फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी इफेक्ट हो रहा है, सपोज मैंने 11 कर दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये मेरे पास में दोनों सेम स्टेट यूज हो रही है। तो अभी क्या है कि स्टेट क्या होती है, लोकल स्टोरेज में स्टोर होती है जाके, तो अभी क्या हो रहा है, हमारा ये डबल मेमोरी जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट को ये कैलकुलेटर इनपुट में ना सेंड करने की बजाय हम लोग कहाँ पे यहाँ इनिशियलाइज कराएंगे, हम लोग कराएंगे कैलकुलेटर में। फ्रेंड्स मैंने जो अपनी फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाया था वो इसीलिए सेंड कराया था, इसीलिए दिखाया था कि हमारे पास में एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया फर्स्ट वाला मीटर के लिए, सेकेंड वन हो गया हमारे पास में किलोमीटर के लिए। तो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ना तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम स्टेट को चेंज करेंगे वैसे ही हमारे दोनों इनपुट पे स्टेट चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ना तो हम उनकी कैलकुलेशन कर पाएंगे कि मीटर में अगर हमने कुछ भी एंटर किया तो हम किलोमीटर के लिए दूसरा फंक्शन चला पाए, या किलोमीटर में हमने चेंज किया तो हम मीटर के लिए दूसरा फंक्शन चला पाए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को अपनी स्टेट शेयर करनी पड़ेगी, किसके साथ, अपने पेरेंट कंपोनेंट के साथ में। सो ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, स्टेट लिफ्टिंग अप। तो मैं अभी क्या करूंगी, जस्ट मैंने यहां से ये कंस्ट्रक्टर में पूरा उठाऊंगी एंड मैंने यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट कर दिया, तो मेरे को अभी इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट यहां से मैं स्टेट को हटा दूंगी। सो फ्रेंड्स अब इसमें क्या एरर आएगी कि जब मैंने यहां से स्टेट हटा दिया तो ये जो हमने स्टेट के थ्रू डिस्टेंस लिया हुआ था ये हम लोगों को क्या करेगा, एरर बता देगा। अब होता क्या है, स्टेट कंट्रोल तो कर सकता है कंपोनेंट की वैल्यू को, बट स्टेट क्या कर सकता है, एक कंपोनेंट से लेके दूसरे कंपोनेंट में वो वैल्यू लेके नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट तो हमने बना दी कैलकुलेटर में, लेकिन हमें वो यूज कहाँ पे करनी है, कैलकुलेटर इनपुट में। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। फ्रेंड्स अभी आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट में मैंने यहाँ पे भी डिस्टेंस में यहाँ पे 1100 वैल्यू डाली हुई है, तो ये वैल्यू कहाँ पे चली गई है,
इस जगह आ गई है यहाँ पे, जो हमने प्रोप्स के थ्रू इसको गेट कर लिया है। सो वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी जो हम यहाँ पे स्टेट बना रहे हैं, इस स्टेट को हम लोग यहाँ पे एज ए प्रोप्स की तरह डिफाइन करेंगे एंड उस प्रोप्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जस्ट इसको क्या कर देती हूँ, स्टेट को मैंने रिप्लेस कर दिया प्रोप्स से। एंड अब मेरे को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर इनपुट मेरा क्या बन गया है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बन गया है। तो मैं क्या करूंगी, इसी को मैंने डबल कॉपी लगा दिया। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को ये डबल लाइन लिखने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ये मैंने लाइन यहाँ से कट कर दिया। सो अभी मैं क्या करती हूँ, जहां जहां पे हमने स्टेट यूज की हुई है, मैं यहाँ पे उतने ही प्रॉप्स आगे बनाती चलती हूँ। तो एक मेरे पास में क्या है, दिस डॉट यहाँ पे स्टेट था, जो कि हम पहले स्टेट के थ्रू ले रहे थे, अब हम प्रॉप्स के लिए लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक डिस्टेंस ले लेना है। इसको अभी मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, या मैं एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्टेंस। एंड यही वाली चीज मैंने क्या की, सेकेंड पे भी पेस्ट कर दी। देन अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, एंटर डिस्टेंस इन मीटर। तो मेरे को तो मीटर में नहीं चाहिए, मेरे को तो किलोमीटर में भी चाहिए। तो जहां पे चेंजेस होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोप्स बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट ले ली है मीटर, मीटर्स मैंने लिख दिया है बिकॉज हम लोग मोर देन 1 मीटर यूज करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, किलोमीटर्स। तो मैं क्या करूंगी, यूनिट के लिए भी मैं यहाँ पे प्रोप्स यूज कर दूंगी, एंटर डिस्टेंस इन। एंड मैंने इसको कट किया, एंड यहाँ पे मैं क्लास कंपोनेंट बना रही हूँ, इसलिए मैं किसका यूज कर रही हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स का यूज कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ये फंक्शन कंपोनेंट बनाया होता, देन यहाँ पे मेरे को दिस लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली प्रॉप्स के थ्रू इसको लिख सकती थी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यूनिट प्रॉप्स के थ्रू ले लिया है, टाइप मेरा नंबर ठीक चल रहा है, मेरे पास वैल्यू आ गई है। देन मेरे पास क्या आता है, ओन चेंज फंक्शन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे दो नंबर्स मेरे पास में आ रहे हैं, बट इसमें मेरे को क्या करना है, अगर मैं मीटर वाले में चेंज कर रही हूँ, मींस मैं इसमें फर्स्ट वन वाले में चेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास में कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए कि जो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दे। अगर मैं इस पे चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास में दूसरा फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये भी मेरे को क्या करना है, ये भी मेरे को किसके थ्रू लेके आना है, प्रॉप्स के थ्रू लेके आना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, एक और प्रॉप्स बना देती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस चेंज फंक्शन। एंड यहां पे मैं लिख देती हूँ दिस इज मीटर चेंज, मींस जब भी मीटर में चेंज होगा तभी मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। एंड यहां पे मैं क्या इसमें डिफाइन करूंगी, केएम चेंज, मींस जब भी मैं सेकेंड वाले इनपुट में चेंज करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यही वाला चीज को मैं एज ए प्रॉप्स की तरह यहाँ पे कॉल करा देती हूँ, दिस डॉट, या इसको मैं क्या करती हूँ, इनपुट चेंज ऐसे ही रहने देती हूँ, ये मेरे पास में आ रहा है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराती हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिस्टेंस चेंज फंक्शन। अब इसमें वैल्यू कौन सी जाएगी, वैल्यू हमारे पास में जो हम इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पे स्टेट यूज नहीं करनी है, ये मैंने फंक्शन को ऐसे नॉर्मल ही रहने दिया। जैसे ही हम इसमें इनपुट में कोई भी चेंज करेंगे, वैसे ही ये सीधा कहाँ पे चला जाएगा, प्रोप्स चेंज फंक्शन पे। चेंज फंक्शन की वैल्यू इसे यहां से पता चलेगी कि अगर हमने मीटर में चेंज किया है तो ये मीटर फंक्शन को कॉल करेगा, और किलोमीटर में चेंज किया है तो ये किलोमीटर फंक्शन को कॉल करेगा। ये मेरे यहाँ पे स्पेस ठीक से नहीं आ रहा है, मैं इसको सही कर देती हूँ। ओके, अभी मेरे पास में ये एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ इवेंट। ये कहाँ पे बता रहा है, कैलकुलेटर इनपुट में लाइन नंबर 9, कैलकुलेटर इनपुट में ही मैं हूँ और ये बता रहा है मेरे को लाइन नंबर 9 में। ये क्यों बता रहा है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन इवेंट की टारगेट वैल्यू को मैंने ले लिया है एंड मैंने यहाँ से इवेंट को कट कर दिया है, इसलिए ये मेरे को एरर बता रहा है। अभी मेरे पास में क्या हुआ, मेरे पास में
ये दोनों आ गए हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई फंक्शन बना हुआ तो है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिस्टेंस चेंज फंक्शन यूज किया है। वो फंक्शन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को क्या करने हैं, ये दोनों फंक्शन अपने पास में बना के रखने हैं। ये मैंने मीटर के लिए फंक्शन बना दिया है एंड ये मैंने किलोमीटर के लिए फंक्शन बना दिया है। एंड इन फंक्शन को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले दिस के थ्रू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि मैंने जो भी नया फंक्शन मैं बनाते हुए चल रही हूँ, मैं इसको क्यों इनिशियलाइज कर रही हूँ, या अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगी यहाँ पे, दिस को इनिशिएट नहीं करूंगी तो ये इसके लिए एक एज अ स्ट्रेंज फंक्शन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेरे पास में यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मीन्स जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया था वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे आ गई है। और वो वैल्यू ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सिर्फ चेंज फंक्शन यूज हुआ, प्रॉप्स के थ्रू मैं यहाँ पे लेके आई मीटर चेंज या किलोमीटर चेंज के फंक्शन को, देन अब इस फंक्शन के थ्रू मैं इस पेज की वैल्यू को मैं लेके आऊंगी यहाँ पे, तो वो वैल्यू मेरी कौन सी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो गई है, मेरे पास दोनों डिस्टेंस आ गई है, कि अगर मैंने मीटर में चेंज किया है तो मेरे पास कौन सी डिस्टेंस आई है, एंड अगर मैंने किलोमीटर में चेंज किया है तो मेरे पास कौन सी डिस्टेंस आई है। तो मैं अभी जस्ट क्या कर देती हूँ, मेरे को इसको सेट कर देना है। देन उसके साथ में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं मीटर में चेंज करके आई हूँ तो मेरे को यूनिट भी तो पता होनी चाहिए कि मेरी कौन सी यूनिट में चेंज हुआ है, तभी तो मैं आगे डिसाइड कर पाऊंगी ना। अब सपोज दैट मेरे पास में तो यहाँ पे दो इनपुट आ रहे हैं, मैं दोनों में 1000 लिख सकती हूँ, तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगी कि वो मीटर वाले का 1000 आया है या किलोमीटर वाले का 1000 आया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक स्टेट और बना लेती हूँ यहाँ पे यूनिट के नाम से, जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट तो नाम दे दिया है, मीटर्स मैंने दे दिया है। तो इसको अगर मैं मीटर चेंज करके आई हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी मीटर्स, एंड यहाँ पे मैं सेम वैसे ही लिख देती हूँ कि अगर मैं किलोमीटर वाले में चेंज करके आई हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, किलोमीटर्स की यूनिट बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब सेट स्टेट फंक्शन क्या करेगा अपना, हमने क्या किया, स्टेट शेयर तो कर लिया है लेकिन काम अभी हमारा बाकी है, हमें क्या करना है, इन दोनों को चेंज करते हुए चलना है। मेरे को मीटर के बेस पे इसे चेंज करना है एंड इसके बेस पे मेरे को ये चेंज करना है। अगर इसमें कोई भी मैं वैल्यू एंटर करती हूँ तो ये देखिए अभी भी ये मेरे को सेम वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मिली नहीं है। इसको क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही सेट स्टेट फंक्शन मैंने यूज किया, ये क्या करेगा, इसने स्टेट को अपडेट कर दी, साथ में ये रिएक्ट को भी अवेयर करा देगा कि स्टेट चेंज हो गई है, आप दोबारा से रेंडर कर लीजिए। तो रेंडर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये रेंडर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपने पास में दो वेरिएबल बना लेती हूँ कि मेरे को दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या चेंज दिखाने हैं। एक मैंने मीटर वैल्यू के नाम से बना लिया एंड एक मैंने केएम वैल्यू के नाम से बना लिया। सो फ्रेंड्स, अब मेरे को क्या करना है कि मैं जिसमें चेंज करके आई हूँ उसकी यूनिट क्या है, यूनिट पता होगी तभी मैं इसको चेंज कर पाऊंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, एक्चुअली मेरी क्या है, यूनिट मेरी स्टेट है, तो स्टेट को यूज करने से पहले मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट यूनिट। अगर मेरी स्टेट है, सॉरी ये वही कॉपी होके आ गया है, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मीटर चेक करना है। अगर मेरी यूनिट मीटर है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, जो मेरी डिस्टेंस अभी तक आई हुई है वो क्या हो जाएगी, 1000 से डिवाइड हो जाएगी, और वो किस में चली जाएगी, केएम वैल्यू में चली जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दोनों वेरिएबल में, जो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इन दोनों में मैं वैल्यू डाल देती हूँ। तो मीटर वैल्यू में तो क्या हुआ, जो मेरे पास में डिस्टेंस आएगी वो तो इसमें मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास में सही डिटेल आ गई है। लेकिन केएम वैल्यू में मेरे को करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को मीटर वैल्यू लेनी पड़ेगी ये, एंड इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये चीज आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो गई है कि मैंने इसको 1000 से क्यों डिवाइड किया है और मेरे पास मीटर वैल्यू कहाँ से आ गई है। तो अभी मैं यही वाला जस्ट कॉपी लगा लेती हूँ यहाँ पे, एंड
अब मैं किस सिनेरियो की तरफ चलूंगी कि अगर मैंने ये जो मेरा सेकंड वाला है मैंने इसमें चेंज किया तब क्या होगा। तो मैंने चेंज किया किलोमीटर में, तो मैं चेक करूंगी कि क्या इसकी यूनिट किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्टेट हमारी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो किसमें चली जाएगी, केएम वैल्यू में चली जाएगी, बिकॉज उसको हमें चेंज नहीं करना। एंड जब हम मीटर वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या जस्ट इसका करेंगे, हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड किया था एंड यहाँ पे हम 1000 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास किसी में भी हमने चेंज किया हो, मीटर में चेंज किया या किलोमीटर में चेंज किया, उसके बिहाफ पे हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो मैं क्या यहाँ पे करूंगी, इसकी वैल्यू में मैं क्या सेट कराऊंगी, मैं इसकी डिस्टेंस को चेक कराऊंगी। पहले स्टेट के थ्रू आ रही थी और अब मेरे पास किसके थ्रू आ गई है, मेरे पास वेरिएबल में आके स्टोर हो गई है कि अगर मैंने मीटर में चेंज किया था तो मेरे पास में मीटर की वैल्यू ये आ गई है, एंड अगर मैंने किलोमीटर में चेंज किया था तो मेरे पास में ये किलोमीटर की वैल्यू आ गई है। एक्चुअली मैं वैल्यू यहाँ पे इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो किलोमीटर में यहाँ पे मैंने डिस्टेंस में दिया हुआ है वही हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, वैल्यू बन जा रहा है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए इसने मेरे को क्या बताया, किलोमीटर इज अनडिफाइंड। ये इसने मेरे को कौन सी लाइन पे एरर बताया है, 34 लाइन पे। तो हम लोग इसको जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये मैं 34 लाइन पे आ गई हूँ एंड ये क्या बोल रहा है, ये किलोमीटर को अनडिफाइंड बता रहा है। ओके किलोमीटर अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, हम लोगों को भी देखना है। ओके फ्रेंड्स ये जो किलोमीटर है, ये किलोमीटर तो हमने यूनिट का नाम ले लिया, हमारे पास वैल्यू हमने किस वेरिएबल में स्टोर किया, हमने केएम वैल्यू में स्टोर किया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मेंशन करना है, हम लोगों को केएम वैल्यू मेंशन करना है। सो फ्रेंड्स देखा आपने कि रिएक्ट खुद में भी कितना इंटेलिजेंट है कि अगर हमने जरा सी यहाँ पे गलती की तो उसने मुझे क्या दिया, एग्जैक्ट उसने मुझे लाइन नंबर बता दिया कि भाई आप इस लाइन पे जाओ, आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगी वैसे ही मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए मैंने सिर्फ वन एंटर किया एंड इसने मेरे को किलोमीटर में चेंज करके दे दिया। मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है तो ये देखिए ये मेरे पास में क्या हो गया है, मीटर से किलोमीटर में चेंज हो गया। अब मैं इसको कितना भी बढ़ाती जाती हूँ या मैं इसको यहाँ पे ऐसे कितना भी एंटर करती हूँ, ये देखिए मेरे पास में ये चेंज हो गया है। देन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये मैंने 11 किलोमीटर ऐड कर दिया और ये मेरे पास 11000 हो गया। ये देखिए हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। अभी क्या हुआ कि हमने ये दोनों तो गेट कर लिए लेकिन अभी भी मेरे पास ये स्टेट कर रहा है। तो इसको जस्ट मैं क्या चेक करूंगी, या तो मैं मीटर से चेक कर लूं या मैं किलोमीटर से चेक कर लूं। तो मैं क्या करती हूँ, मीटर से चेक कर लेती हूँ एंड मीटर की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, मीटर वैल्यू जा रही है। तो मैं इसमें भी क्या कर दूंगी, मैंने इसको रिमूव किया एंड मैंने इसको क्या किया, मीटर वैल्यू पास करा दिया। तो अब हमारे रिजल्ट में क्या चला जाएगा, डायनामिक वैल्यू चली गई। जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे जाऊंगी, मीन्स जो भी अपडेट मैं कैलकुलेटर इनपुट में करूंगी वो इनपुट मेरा कहाँ जाएगा, रिजल्ट में जाएगा एज ए मीटर वैल्यू वन के। और जो अपडेट मेरा रिजल्ट में हो जाएगा वो अपडेट मेरा कहाँ पे चला जाएगा, रिजल्ट कंपोनेंट में। देन यहाँ पे वो उसको प्रोब्स को अपने को चेक करेगा कि वो 1000 से कम है या उसके इक्वल है, देन उसके बिहाफ पे मेरे को रिजल्ट दिखाएगा। तो अभी ये देखिए ये इसलिए मेरे पास में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये जस्ट इज वॉकिंग डिस्टेंस, ये जस्ट मेरे को इतना मैसेज शो करा रहा है क्योंकि अभी इसके पास प्रोब्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने ये 10 एंटर कर दिया तो ये मेरे को क्या बता रहा है, 10 इज वॉकिंग डिस्टेंस। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मीटर्स भी लिख देती हूँ बिकॉज वहां पे हम लोगों को ये उतना क्लियरली नहीं पड़ा था। ये देखिए मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया और ये खुद से अपडेट हो गया है। मैं जैसे ही इसको बढ़ाते चली जाऊंगी, ये इतना हो गया है, मैंने इसको 200 किया, ये वॉकिंग डिस्टेंस है। जैसे ही मैंने इसको 2000 कर दिया, इसने अपना मैसेज चेंज कर दिया, ये आ गया 2000 मीटर इज टू मच, मीन्स ये एल्स वाली कंडीशन में पहुंच गया है। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया है कि स्टेट लिफ्ट अप का हमने कैसे यूज किया। मैं फिर से एक बार इसको दोबारा से इसका रिकैप बता देती हूँ। ये हमारा इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर को हमने इम्पोर्ट किया है, इसलिए मैंने इंडेक्स फाइल को बंद कर दिया।
हमने सिर्फ किन फाइल में काम किया, हमने एक कैलकुलेटर फाइल में काम किया जो हमारा कैलकुलेटर कंपोनेंट है, एंड ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। उस पेरेंट कंपोनेंट में हमने दो चीजें ले ली, एक तो हमने इनपुट ले लिया ये कैलकुलेटर इनपुट के थ्रू जिसमें मैंने ये दोनों वैल्यू ले ली, देन उसके बिहाफ पे मैंने क्या किया एक रिजल्ट दिखा दिया। मींस कैलकुलेटर मेरा पेरेंट हो गया एंड ये कैलकुलेटर इनपुट और रिजल्ट मेरा दोनों चाइल्ड हो गए। अब अगर हम रिजल्ट की भी बात करें तो ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, इसने जस्ट इसकी वैल्यू को चेक किया, एंड ये हम लोग बहुत पहले ही सीख चुके हैं कि प्रोप्स के थ्रू हम लोग इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे कैसे चला सकते हैं। तो अब बात आती है हमारे पास में कैलकुलेटर इनपुट की, कि ये कैलकुलेटर इनपुट आखिर क्या कर रहा है, स्टेट लिफ्टअप की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी। तो जस्ट इसमें सिर्फ इतना ही है कि कैलकुलेटर इनपुट में अगर हम अभी सपोज हमारे पास में दो इनपुट थी तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते थे। बट सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास में 10 फील्ड हो जाए या 50 फील्ड हो जाए तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में उतनी जगह स्टोर नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे हमारे पास में क्या होता है कि अगर दो टाइप के सेम कंपोनेंट है हमारे पास में, लाइक ही हमारे पास में दो सेम कंपोनेंट है, दोनों को अपना स्टेट यूज करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये दोनों कंपोनेंट अपने पेरेंट वाले कंपोनेंट को स्टेट शेयर कर देंगे और इसी को हम लोग स्टेट लिफ्टिंग अप बोलेंगे। तो इसको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे रन कर रहा है हमारा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में जाते हैं एंड हमारा जाता है रिटर्न में, हम लोग जाएंगे रिटर्न में। मेरे पास में क्या आया, दो मेरे पास कंपोनेंट चल गए हैं, मेरा ये सेम ही कंपोनेंट है जिसको मैंने दो बार यूज कर लिया है, लेकिन दोनों में क्या है, एक में यूनिट मीटर जा रही है, एक में यूनिट किलोमीटर जा रही है, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग जा रही है। ये तो बाद में अपडेट होगी, अभी सिर्फ हमारे पास मीटर किलोमीटर के बिहाफ पे हमें एंटर डिस्टेंस इन मीटर एंड एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या रन करेगा, इनपुट टाइप नंबर जो कि हमारे पास में ये बना हुआ है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आके जब तक कोई भी यूजर आएगा एंड वो इसमें आगे कुछ भी अपडेट नहीं करेगा, इसमें 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखेगा, तब तक हमारा प्रोजेक्ट का आगे कोई यूज ही नहीं है। तो इनपुट चेंज हमने उसके चेंज पे फंक्शन चला दिया है। इनपुट चेंज फंक्शन जैसे ही हमने यूज किया उसमें क्या आ गया है, उसके पेरेंट का डिस्टेंस चेंज फंक्शन आ गया है। डिस्टेंस चेंज फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैंने चेक कर लिया है कि भाई उसको मीटर चेंज हुआ है या किलोमीटर चेंज हुआ है, तो जिसको हम उसी के बिहाफ पे आगे भेज सके। अगर मीटर चेंज हुआ है तो वो चला जाएगा यहाँ पे, ये मीटर चेंज जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, एंड साथ में क्या लेके जाएगा ये अपने साथ में, उसकी वैल्यू को। सपोज दैट यहाँ पे मैंने 1000 लिखा हुआ था तो मेरे पास मीटर चेंज फंक्शन में 1000 चला गया, मींस हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई है, 1000 हो गई है, और यूनिट मेरे पास में मीटर हो गई है। देन सीधा क्या होगा कि अगर स्टेट चेंज हो गई है तो ये सीधा रेंडर पे जंप लगाएगा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, जैसे ही हमारा सेट स्टेट फंक्शन काम करेगा वैसे ही वो स्टेट चेंज करने के जस्ट बाद में रेंडर चेंज करा देगा। रेंडर चेंज करने के लिए जैसे ही वो आएगा वहां पे उसे हमारे दोनों वेरिएबल मिल ही जाएंगे, वो चेक कर लेगा कि भाई मीटर में अपडेट हुआ है तो किलोमीटर को 1000 से डिवाइड कर दो, अगर किलोमीटर में चेंज हुआ है तो मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट बस ये इतना ही है, उसी के बिहाफ पे हमारी ये वैल्यू हमें चेंज होती हुई दिखेगी। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, इसका यूज क्यों हुआ है स्टेट लिफ्टिंग अप का, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हमको पहले प्रॉब्लम आ रही थी मल्टीपल एलिमेंट्स में, मल्टीपल कंपोनेंट्स में अगर हम स्टेट सेव करके रख रहे थे तो, या इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ। बट तब भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं। ओके थैंक यू।